यहाँ पे हम लोग कुनारा घाट के नज़दीक ही आए हैं इधर गाछ में। एंड यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा पुराना कुआँ है जो कि 1640 का बना हुआ है। एंड इस कुएँ की खासियत हम लोग जानेंगे। एंड यहाँ पे एक छत्रग्रह भी है, इसे मंदिर है, मंदिर है। एंड इस कुएँ के बारे में हम बाबा से कुछ जानते हैं, देखते हैं क्या बताता है। तो आगे हमारे वीडियो में लास्ट तक बन गई और इस कुएँ के बारे में हम कुछ पता करते हैं। तो कुआँ देख सकते हैं बहुत ही अद्भुत कुआँ है। एंड इसकी 3-4 यहाँ पे छेद है ना, यहाँ पे कुल कुआँ की जो छेद दर्शाए वो 9 को छेद है। एंड यहाँ पे बाल्टी रखा है, तो कुआँ की क्या खास बात है ये सब हम जानेंगे। यहाँ पे मूर्तियाँ भी है जो कि देख सकते हो आप, हम आपको एक एक मूर्ति दिखाते हैं। एंड यहाँ पे भी एक मूर्ति है। सो बाबा तो अभी अलग जा चुके हैं। एंड आते हैं तो हम लोग इस कुएँ के बारे में जानेंगे, इस कुएँ की खासियत क्या है और क्या नहीं है। सो आप लोग को हम एक एक चीज़ इस कुएँ के बारे में बताएंगे। सो कुआँ जो बना हुआ है 1640 का बना हुआ है। एंड इस कुएँ में जो कि 9 छेद इस 9 छेद के कुआँ की खासियत यह है कि अलग अलग इसमें के पानी के स्वाद मिलेंगे और ऐसा पानी आपको कहीं नहीं देखने मिलेगा। और ये बाबा है, ये 1644 में जो कि जिंदा समाधि है, तो उनका समाधि ये बना हुआ है। एंड बताया जा रहा है बाबा जिंदा समाधि लेते 1644 में। एंड उन्हीं का बनाया हुआ ये कुआँ है। और इस कुएँ की सबसे खास बात है कि इस कुएँ की पानी का अलग अलग सो ये कुआँ जस्ट यहाँ पे कुनारा घाट और गंगा नदी के बीच में गाछी के अंदर बना हुआ है। तो ऋषि भाई ये बाल्टी उठा रहा है पानी निकालने के लिए, तो टेस्ट करते हैं कैसा पानी। सो देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है। नीचे इसमें सारे पानी एक साथ मिले हुए, लेकिन फिर भी बताया जा रहा है अलग अलग स्वाद देखने का आपको मिलेगा। ऋषि भाई आज स्वाद चेक करते हैं। ऋषि भाई पानी कैसा लगा? बढ़िया लगा, स्वाद एक नंबर। अब दूसरे कुआं में से निकालते हैं, फिर ये वाला पानी इसमें डालेगा। ये मैंने तो काट डाला, सॉरी अंकल। ऋषि भाई गलती से उसे पानी उछल दिए थे, तो इसके लिए अंकल हमें बोले अब उसमें से थोड़ा सा निकालना, ठीक है। सो ऋषि बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुके हैं एंड पानी की वजह से, और बाबा से बोली भी सुन चुके हैं ऋषि भाई हमारे कारण और आप लोग के कारण। तो आप लोग एक लाइक करो, थोड़ा सा निकालना।